ग्वालियर के जयारोग्य हॉस्पिटल में कुर्सी पर बैठाकर कैसे ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। खास बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज को पूर्ण बेहोश नहीं किया जाता है, इस दौरान मरीज जागृत अवस्था में रहता है। ऑपरेशन की इस पद्धति को अवैध क्रोनोटोनिया कहा जाता है। चूँकि इसको कम सुरक्षित माना जाता रहा है, इसलिए डॉक्टर इस पद्धति को कम प्राथमिकता देते रहे हैं। लेकिन ग्वालियर के न्यूरोसर्जरी विभाग के सभी 6 सर्जन प्रतिमाह 20 से 25 ऐसे सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस पद्धति का इस्तेमाल छोटे ट्यूमर की सर्जरी में किया जाता है। JAH में पदस्थ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अविनाश शर्मा बताते हैं कि यह सबसे आसान पद्धति है। इस पद्धति से ऑपरेशन में सिर के पिछले हिस्से में मौजूद ब्रेन ट्यूमर को निकाला जाता है। मरीज को कुर्सी पर बैठाकर हल्का सा बेहोश किया जाता है, उसके बाद सिर के पीछे का हिस्सा खोला जाता है। इससे सर्जन को ट्यूमर साफ साफ दिखाई देता है। सर्जरी में खून बाहर निकलता रहता है, जिससे अंदर एयर एम्बोलिस नहीं बनते। ग्वालियर में प्रतिवर्ष ब्रेन ट्यूमर के 800 से 1000 ऑपरेशन होते हैं। इसमें अवैध क्रोनोटोनिया पद्धति से ऑपरेशन भी होते हैं। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मरीज से बातचीत भी करते रहते हैं, ताकि उसे कोई तकलीफ हो तो तत्काल पता चल सके। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि कुर्सी पर बैठाकर मरीज को ऑपरेशन करने में उसका ब्लड प्रेशर नीचे जाने व खून का संचार करने वाली धमनियों में हवा का दबाव बनने का खतरा अधिक होता है। हालांकि इस पद्धति से ऑपरेशन में सुविधा यह होती है कि मस्तिष्क खोलने पर रक्त बाहर की ओर बहता है, जिससे अंदर खून नहीं भरता और सर्जन का फोकस ट्यूमर पर आता है। अगर इस दौरान मस्तिष्क की कोई भी नर्व डैमेज होगी तो मरीज को लकवा, आंखों की रोशनी जाना, बोलने की क्षमता चले जाने जैसे दुष्प्रभाव जिंदगी भर के लिए भोगने पड़ सकते हैं। ग्वालियर के बिरला इंस्टीट्यूट मेडिकल रिसर्च के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिषेक चौहान ने 2021 में 9 वर्षीय एक बच्चे के मस्तिष्क से ट्यूमर निकालने के लिए अवैध क्रोनोटोनिया पद्धति से ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के दौरान बच्ची पियानो बजाती रही और उन्होंने ट्यूमर निकाल दिया। डॉक्टर चौहान बताते हैं कि ऑपरेशन के 1 साल बाद उसका सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें सब कुछ सामान्य था। ब्रेन ट्यूमर का बड़ा कारण विकिरण और अनुवांशिक है, जो छोटी उम्र के बच्चों में सामने आती है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। कोशिकाओं के बढ़ने से यह गांठ बन जाती है। यह गांठ कैंसर का कारण भी बन सकती है। हालांकि 50% मामलों में ट्यूमर में कैंसर जैसी कोई आशंका नहीं होती, यह भी जन्मजात समस्या भी हो सकती है।